हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को हिट करें। डॉक्टर नवल पटेल, डर्मेटोलॉजी सेवम हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और क्लिनिक रायगढ़ छत्तीसगढ़। आज हम बात करने वाले हैं नारियल तेल के बारे में। क्या नारियल तेल का उपयोग स्किन की त्वचा को रिपेयर करने में और एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में स्किन की काफ़ी बीमारियों में इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या इसकी ऊपर कोई रिसर्च हुई है? इसे कोई डाटा अवेलेबल है? जी हाँ, इसके बारे में हम बात करते हैं। कोकोनट ऑयल कोका न्यूसीफेरा नामक एक ट्री जो अधिकतर इंडिया और इंडोनेशिया एरिया में पाए जाते हैं, उनके पेड़ के कर्नल से तेल निकाला जाता है। इस तेल में काफ़ी सारे ऐसे तत्व होते हैं जो कि हमारी स्किन की त्वचा को रिपेयर करते हैं, और साथ ही में इसमें बहुत सारे एंटी माइक्रोबियल, एंटी वायरल ऐसे प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके कारण ये एंटी माइक्रोबियल के साथ में त्वचा को जल्दी रिपेयर कर देते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन करते हैं। नारियल तेल में ऐसे क्या तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे त्वचा को अच्छा करते हैं? इसमें लिनोइक एसिड, मिस्टरिक एसिड, पामेटिक एसिड, ओलिक एसिड, कैप्रिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, लिनोलिक एसिड, इस प्रकार के ये शॉर्ट चेन फ्री फैटी एसिड होते हैं। ये फ्री फैटी एसिड हमारे त्वचा को एंटी माइक्रोबियल, एंटी वायरल और ईस्ट से प्रतिरोधी बनाने में मददगार होता है। साथ ही साथ में नारियल तेल ये प्रोपिनोबैक्टरम एक्ने जिसके कारण हमको मुहासे होते हैं उसकी रोकथाम करते हैं। स्टेफाइलोकॉकस ऑरियस जो हमारी त्वचा में सेकेंडरी इन्फेक्शन कराते हैं उसको रोकता है। स्टेफाइलोकॉकस एपिडर्मिडिस उसको रोकने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। नारियल तेल इतना प्रचलित क्यों हुआ? नारियल तेल पुराने सदियों से बहुत प्रचलित है। इसका कारण है नारियल तेल को खाने के रूप में और त्वचा और बालों में लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नारियल तेल में इतने अच्छे गुण मौजूद होने के कारण ये हमारी त्वचा में एंटी माइक्रोबियल, एंटी वायरल और ईस्ट को रोकने के कारण ये हमारी त्वचा को बहुत जल्दी रिपेयर कर देता है और बालों को घना मजबूत करता है। नारियल तेल के लगातार उपयोग से यह हमारे शरीर में होने वाले एग्जाम्पल हल्के फुल्के सूखापन, जीरोसिस, जिसको काफ़ी हद तक ये कम कर देता है। दूसरी बीमारी है एटॉपिक डर्मेटाइटिस, एक ऐसा बीमारी है जो बच्चों में सूखी त्वचा, गाल का सूखा होना, शरीर का सूखा होना उसको कंट्रोल कर देता है। तीसरा चीज़ है मुहासे, मुहासे में प्रोपिनोबैक्टरम एक्ने को ये कंट्रोल करता है जिसके कारण हमारे मुहासे को ये कंट्रोल कर देता है। साथ ही साथ में ये हमारी त्वचा में इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। पांचवा चीज़ है हमारी त्वचा में होने वाले आजकल इस दौरान देखने में बहुत मिल रहा है कि फंगल इन्फेक्शन लोगों में ज़्यादा हो रहा है। फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल नारियल तेल होता है। तो आशा करता हूँ नारियल तेल का हमारे त्वचा में बैरियर के रूप में और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन क्यों, कैसे होता है ये जानकर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें जिससे आपको नए नए वीडियोस के बारे में पता चलते रहे। धन्यवाद।